प्रस शिक्षु आईएएस अधिकारियों का दल लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी से पेटलावद विकास खंड के ग्राम पंचायत झकनावदा में 7 दिवसीय भ्रमण पर पहुंचा, जहां प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्र की भौगोलिक व मूलभूत जानकारी लेने के साथ साथ यहां रहन सहन को देखा। साथ ही झकनावदा नगर का भ्रमण कर विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, महिला स्व सहायता समूह से चर्चा कर जानकारी प्राप्त की। बस स्टैंड पर चलाया स्वच्छता अभियान, स्थानीय शासकीय हाई स्कूल प्रांगण से नगर में स्वच्छता अभियान के तहत स्कूली छात्र छात्राओं की रैली निकाली गई। रैली में नन्हे मुन्ने बच्चों ने महात्मा गांधी की वेशभूषा में ग्रामीणों को स्वच्छ नगर रखने का संदेश दिया, जिसमें समस्त अधिकारियों एवं ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साथ ही नगर में गली मोहल्लों में पसरी गंदगी को स्वयं ग्रामीणों एवं अधिकारियों ने अपने हाथ से एकत्रित कर थैलों में भरा। झकनावदा से मनीष कुमुट की रिपोर्ट। आपका शुभ नाम? दीपक। सर, आपने स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग में जाकर देखा तो क्या कमी पाई गई? कमियां तो वैसे हमें ज्यादा नहीं दिखी, कुछ है जो एक्चुअली हम कलेक्टर साहब से साझा करेंगे और एक उसके बाद हम रिपोर्ट बनाएंगे जो सबकी सम्मति से उसके बाद हम पेश करेंगे। जो आज सफाई स्वच्छ भारत अभियान की आपने नगर में जाकर स्वच्छता का देखा, उसमें क्या स्थिति दिखी आपको पंचायत स्तर की सफाई की? मार्केट एरिया में हमने देखा कि कुछ कचरा जमा था, तो हमने दुकानदारों से बात की, उनको समझाया कि कैसे अपने परिसर को स्वच्छ रखना है। बच्चों में काफ़ी उत्साह था, तो बच्चों ने हमारा काफ़ी सहयोग किया और अभी हम और उनसे स्वच्छ भारत के माननीय प्रधानमंत्री के मैसेज को साझा करेंगे। ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है स्वच्छ भारत का। आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रशिक्षु आईएएस आईपीएस अधिकारी, आपका हमारे न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप किस उद्देश्य को लेकर झकनावदा 7 दिवसीय नगर भ्रमण पर आए थे? ये देखिए, जब भी हम प्रशिक्षु हैं अभी तो हमें ग्रामीण परिवेश को समझने के लिए भारत सरकार द्वारा विलेज विजिट पे भेजा जाता है, जिसमें हम ग्रामीण की गांव की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझते हैं और ताकि हम आगे जब फील्ड पे जाएं तो हम सही तरीके से अपने कार्य का निर्वहन कर सकें। तो इसी उद्देश्य से हम झकनावदा को भी भारत सरकार द्वारा चुना गया था, तो इसी उद्देश्य से हम यहाँ आए थे। आपने कौन कौन से विभाग में निरीक्षण किया और आपको कैसा अनुभव महसूस हुआ? तो निरीक्षण को हम कह नहीं सकते, हम ऑब्जर्वेशन के लिए आए थे जी। तो हमने स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग जो यहाँ पे है, अनारलम का ऑफिस जो है यहाँ पे, आदिम जनजाति का जो यहाँ पे कल्याण विभाग है, और उसके अलावा जो यहाँ पे आसपास जितने भी सरकारी दफ्तर है, जो आंगनवाड़ी है, तो वहाँ हम गए थे ताकि हम ऑब्जर्व कर पाएं कि क्या स्थिति है यहाँ की और क्या सुधार इसमें किया जा सकता है। बस ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने घर और परिसर, स्कूल, दफ्तर जो भी है उसको साफ रखो, क्योंकि स्वच्छता ही हमारा संपन्न है। और सफाई से सिर्फ ये नहीं कि अच्छा लगता है, बट बीमारियां भी कम हो जाती है। तो बस ये कि आप जो भी टॉयलेट्स बनाते हैं यहाँ पे, तो आपने ये जो भी है उनसे बोलिए कि उसको साफ करें, उसमें पानी आए और सभी उसका उपयोग करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।